नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा कुमारी, फर्टिलिटी कंसल्टेंट, नोवा आईवीएफ ईस्ट पटना से। आज हम जानेंगे कि महिलाओं में कमजोरी का क्या कारण है। सामान्यतः हमने ये देखा है कि महिलाएं अक्सर वीकनेस या कमजोरी कंप्लेन करती रहती हैं, जो कि उनके रिप्रोडक्टिव एज में और आफ्टर मेनोपॉज बहुत ज़्यादा होता है। मुख्य कारण महिलाओं में कमजोरी का उनके खान पान पर कम ध्यान देना होता है। हमारे इंडियन कल्चर में हम महिलाएं अपने ऊपर कम ध्यान दे करके हम अपने पुरुष मेंबर पे, हमारे घर के जो पुरुष मेंबर हैं और जो बच्चे हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस कमजोरी से हम बच सकते हैं अगर हम अपना खान पान ध्यान में रखें। जैसे सुबह का खाना बहुत लेट नहीं होना चाहिए, 8 बजते कुछ खा लेना चाहिए। सुबह उठ करके 1 गिलास पानी का सेवन करना चाहिए, उसके साथ चना, गुड़ या मूंग कुछ खाएं। आहार के बीच में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा का, दो आहार के बीच में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा का अंतर ना रखें। साल में 2 से 3 महीना जरूर मल्टीविटामिन का सेवन करें, साथ में कैल्शियम भी लें, क्योंकि जैसे जैसे एज एडवांस होता है और महिला मेनोपॉज की तरफ जाती हैं, तो उनमें विटामिन डी को सपोर्ट करने वाला या बोन डेंसिटी को सपोर्ट करने वाला जो एस्ट्रोजन सपोर्ट होता है वो डाउन होता जाता है, जिसके कारण उनके अंदर वीकनेस आनी शुरू हो जाती है और हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। तो खास करके 35 साल के बाद महिलाओं को अपने डाइट में मल्टी विटामिन्स और कैल्शियम जोड़ ही लेना चाहिए, और डाइट उनका कॉम्पोजिशन इस तरह का हो कि वो मल्टीपल कलर में दिखे। सुबह कभी भी ब्रेकफास्ट बहुत देर से नहीं करना है, सुबह उठ के कुछ ना कुछ खाना है, और मील प्रॉपर एप्रोप्रिएट एसोसिएशन में होना चाहिए कि कार्ब का कितना कंटेंट है, प्रोटीन कितना है, और मल्टीविटामिन और मिनरल के लिए क्या है। मल्टीविटामिन, मिनरल और कैल्शियम के लिए हम साग फल फूल पर निर्भर करेंगे, और कैल्शियम के लिए दूध और डेयरी प्रोडक्ट।